गुलाब में स्वागत करते हैं। तो गाइस आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी जी देखे केजरीवाल का मुस्कुराता चेहरा कैसे मैनेज करते मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब ये इससे पता लगता है ये दो बीबियां टीवी और मोबाइल एक साथ संभाल रहा है, वो दो बीबी। चाय बन चुकी है गुड़ वाली, चलिए चलते हैं छत की और चाय लेके। देखे यहाँ डबल चाय। हाँ बढ़िया, हाँ बढ़िया। ये किसका बेटा, क्या नाम है इसका? देखिए गाइस मैं ना ये हरी वाली मिर्ची है और आंवला भी है नीचे, ये देखिए आंवला, तो मैं इनका बनाने वाली हूँ। हरी मिर्ची का तो मैं अचार बनाऊंगी और आंवलों का मैं बनाऊंगी मुरब्बा। तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ और फिर थोड़ा सा धूप में रख देती हूँ और फिर इसका मसाला तैयार करके मैं बनाऊंगी हरी मिर्च का अचार और आंवले का मुरब्बा। तो चलिए आपको भी दिखाऊंगी कैसे बना रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, मैं मीना नेगी आप सभी का अपने YouTube चैनल मीना एंड फैमिली ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो गाइस जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि आज मैं बनाने वाली हूँ अचार और मुरब्बा, तो बस उसी की प्रिपरेशन मैंने कर ली है और चलिए आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या। देखिए गाइस मैंने ना धो दिया था और इसको सुखाने के लिए रख दिया है, थोड़ी देर धूप में रख दिया बस पानी वगैरह इनका सूख जाए, उसके बाद फिर मैं इनका काम करूँगी। जार मैंने धो के रख दिया है जिसमें कि मुझे मुरब्बा डालना है और ये धनिया भी मैंने सुखा रखा है, धनिया के बीज इनको भी मैं ना सुखा के पीसने वाली हूँ। धनिया पाउडर घर पे ही बना लूँगी सोच रही थी, एक्चुअली मैं दिवाली के टाइम लेके आई थी तो मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने इसको सुखा दिया है, कल भी सुखाया था और एक बार पहले भी सुखाया था, तो मैंने कहा दो चार बार धूप लगा के फिर इनको हम पीस लेंगे। तो यही काम आज घर में मेरा चल रहा है, मतलब अचार डालने का मूड है मेरा आज, तो बस यही आज मैं करूँगी, फिर वही अपना दिन का काम शुरू हो जाता है। तो चलिए जब डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी, आप बने रहिएगा चैनल के साथ। देखिए बाहर कपड़े सूख रहे हैं, मैंने कंबल भी अपना सुखाने के लिए डाल दिया धूप में और कपड़े बहुत सारे पूरी तार भरी हुए कपड़े वगैरह लगे हुए हैं सूखने और धूप भी बहुत अच्छी वाली आई हुई है, सूर्य भगवान बहुत अच्छे से चमक रहे हैं तो बहुत अच्छी बढ़िया वाली धूप जो है वो यहाँ आर के सेकने के लिए। तो मेरे यहीं पे ना दिन तक धूप लगी रहती है तो मैं यहीं पे ही धूप सेक लेती हूँ बैठ के। आज तो बेचारे ये सीख रहे हैं पर वैसे मैं यहीं बैठ के धूप सेकती हूँ। हमारे आसपास ना शायद सुंदरकांड हो रहा है अगली गली में, आगे गली में, तो फिर बहुत अच्छी से भजन की वो आ रही है यहाँ से साउंड। रामकथा सुंदरकांड इस तरीके के भजन वगैरह की आवाज़ आती है तो वातावरण भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और देखिए आज ना रिजल्ट्स भी आ रहे हैं भाई, जो हम लोगों ने वोटिंग करी थी ना, देखिए हम भी करके आए थे वोटिंग, तो इस वोटिंग के रिजल्ट्स आज निकल रहे हैं दिल्ली के अंदर। और कौन जीत रहा हमारे यहाँ से? हमारे यहाँ से तो आम आदमी पार्टी जीत गई है। आम आदमी पार्टी जीत गई है हमारे यहाँ से भाई, देखिए झाड़ू ने झाड़ू मार दिया है लोगों के उसमें जो है विचारों में झाड़ू लगा बिठा दिया अच्छी तरीके से। और देखिए केजरीवाल का मुस्कुराता चेहरा तो ये कुछ न्यूज़ वगैरह यहाँ पे लगा रखी है, मिस्टर शेफ देख रहे हैं, कहीं जाना है पर जाते जाते न्यूज़ भी देखते जा रहे हैं, न्यूज़ भी देखते रहते हैं और फ़ोन भी देखते रहते हैं, पता नहीं दोनों चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज करते हैं मेरे तो समझ में नहीं आता। मतलब ये इससे पता लगता है ये दो बीबियाँ संभाल सकते हैं, है ना? नहीं, जो टीवी और मोबाइल एक साथ संभाल रहा है वो दो बीबी भी संभाल सकते हैं। एक बीबी कैसे नहीं संभाल रही जरा बताना, कैसे नहीं बताओ तो सही, कैसे नहीं संभाल रही? एक बीबी तो संभाल रखे तुमने, मैं तुम्हारा हिसाब किताब, तुम्हारा जैसा हिसाब किताब देख के मैं करूँ तुम दो भी संभाल लोगे जैसे तुम मोबाइल। और तो देखिए गाइस अभी ना मम्मी से मिलने कोई आया हुआ है तो इसलिए मैंने चाय बनाने रख दी है और देखिए मम्मी की चाय बन चुकी है गुड़ वाली और अब ये चाय बना के मैं लेके जाती हूँ। ऊपर छत पे बैठे हैं सब लोग तो देखते हैं कौन कौन आया हुआ है। तो चलिए चलते हैं छत की और चाय लेके। देखिए सबकी कचरी लगी हुई है वहां पे और किसने
देखे सब बैठे हुए। क्यों राधा दी से बोला तो मैंने, वो ऊपर को आ रही थी जब, ऊपर को आए तो नीचे से आ गई तभी चाय। देखे यहाँ डबल चाय हो गई, आप पी लीजिएगा कोई बात नहीं। नीचे कोई तो जा रहे थे। डबल चाय। नमस्कार। हाँ बढ़िया, हाँ बढ़िया। ये किसका बेबी, आपका? अच्छा, हेलो बेटे का। हाँ अच्छा, हेलो, क्या नाम है इसका? रिद्धि। अच्छा, ये देखिए भाई रिद्धि भी आ गई। सिद्धि का है साथ में? रिद्धि के साथ सिद्धि, सिद्धि घर पे है। अच्छा सही है। तो देखिए गाइस, मैंने ना इस पे स्टीमर के लिए मतलब इनको रेडी कर लिया है। इसमें मैं ये इडली मेकर है वैसे तो, पर मेरे को लगा कि ये देखिए इसमें जाली सी है तो इसमें स्टीम हो जाएगा, मैं इसमें स्टीम करके देखती हूँ इनको। और मैंने यहाँ पे पानी लगा दिया है। तो सबसे पहले आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था, और क्योंकि ना मिचुआ के पापा लेके आए थे ये वाले आंवले, और उनको ना थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि किस तरीके के आंवले लाने चाहिए, तो वो कुछ इस तरीके के आंवले लेकर आ गए हैं। बट ये है कि यार वेस्ट थोड़ी ना करेंगे, है ना, तो यूज़ कर लेंगे। आगे का प्रोसेस मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे आंवले जो है वो बॉइल हो गए हैं, आप देख रहे होंगे, काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, देखिए पट भी गए हैं, ये देखिए क्रैक हो गए ना, दैट मीन्स ये रेडी हो गए हैं। ये देखिए क्रैक, इस पर भी क्रैक आया है, तो इन सब पे क्रैक आ गया, इसका मतलब ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं ना इनको निकाल देती हूँ, गैस बंद कर देती हूँ, और ये स्टीम हो गए हैं प्रॉपरली। थोड़ा सा इनको ठंडा होने दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से धूप चली गई है, तो मैं अपनी मिर्ची और अपना जार दोनों ही उठा लेती हूँ। मेरा जार भी सूख गया है और मेरी मिर्ची भी रेडी हो गई है, और धनिया भी ले जाऊँगी। तो चलिए इनको मैं रखती हूँ यहाँ पे, और ना मेरे आंवले भी ठंडे हो गए हैं, तो अब मैं इस जार के अंदर बना लेती हूँ इनका मुरब्बा। तो गाइस, मैंने इसमें ना सभी मसालों को रोस्ट करने के लिए डाल दिया। देखिए तवे में, पैन पे मैंने सारे मसाले रोस्ट करने डाल दिए, और इसमें है काली मिर्च है, और मेथी दाना है, जीरा है, सौंफ है, और अजवाइन है, अभी मतलब जो भी अचार के मसाले होते हैं ना वो सारे मैंने इसमें यूज़ कर लिए, तो इसको मैं अभी रोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अचार के मसाले में जैसे कि ये राई होती है, काली वाली है ना, सरसों होती है, तो इनको थोड़ा सा मैं रोस्ट कर दूँगी, और बस इनको मिक्सी में पीस लेंगे और एक मसाला तैयार कर लेंगे अचार का। उन्हीं से मैं इन मिर्ची को ना भर लूंगी और भरवा मिर्च का अचार बनाऊंगी। बस आप देखते रहिए मैं क्या कर रही हूँ। और गाइस, बहुत टेस्टी अचार होता है, सर्दियों में ना मजा आ जाता है, जैसे आप दाल चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, और कुछ भी, मतलब सर्दियों में तो अचार के मजे ना लिए तो फिर क्या किया। हल्का कुछ होने लगा, तड़कने के बाद आने लगे, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। आप चाहे गाइस तो इन मसालों को ना धूप में भी रख के, उनको धूप में मतलब थोड़ी देर तक रख के फिर यूज कर सकते हैं, अगर आप इनको इस तरीके से रोस्ट नहीं करना चाहते हैं तो। रोस्ट करने से इनकी नमी निकल जाती है और इनमें क्रिस्पी सा ना वो आ जाता है टेस्ट, और स्वाद भी बढ़ जाता है वैसे रोस्ट करने से, तो इसीलिए मैंने रोस्ट कर लिए मसाले। और फ्रेंड्स, अगर हम अचार बना रहे हैं और सरसों के तेल की बात ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने सरसों का तेल ले लिया है। एक कटोरी भर के सरसों का तेल मैं अब गर्म करने रख देती हूँ गैस पे, और इसको अच्छे से हम गर्म कर लेंगे, और फिर गर्म करने के बाद हम इन इसको अचार में यूज़ करेंगे। तो मैं अब पता क्या करने वाली हूँ, मैं इस ये जो मिर्ची है ना, इनके ये डंठल से निकाल दूंगी, और बीच में से काट के इनके अंदर के जो जो मतलब वेस्टेज होती है ना वो निकाल लूंगी, और फिर उसके बाद इनको भर दूंगी। ठीक है, तो ये वाला काम मैं कर लेती हूँ जब तक जल्दी। तो देखिए ऑलमोस्ट ये सब मैंने कर ली है, ये सारी की सारी मिर्ची जो है वो मैंने बीच में से इनको कट कर दिया है, और अब मैं इसमें मसाला भूनूंगी। तो जो मैंने मसाला अभी भूना था, तो ये मसाला मैंने डाल दिया इसमें, और इसमें मैं ना नमक भी ऐड कर लेती हूँ। इसमें मैं वाइट नमक और ब्लैक नमक दोनों ही डालूंगी, तो काला नमक भी यूज करूंगी और वो वाला, तो एक चम्मच भर के काला नमक लेती हूँ। हींग
देखिए मसाला पीस किया, और अब मैं इसमें पीसूंगी काली वाली सरसों, पीली वाली सरसों। गेट पे कोई आ गया? पहले गेट खुल गया तो कोई नहीं आया। गाइस मिशा आ गई है, तो चलिए ये मैं डाल देती हूँ 4 चम्मच काली सरसों और 1 चम्मच पीली सरसों भी डालती हूँ, क्योंकि उसका बिना जो तीखा तीखा सा स्वाद आता है बहुत अच्छा लगता है। हाय गाइस, देखिए मिशा आ गई है। एक नहीं मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना मिर्ची में तीखा और स्वाद बहुत पसंद है, खट्टा खट्टा सा फ्लेवर जो आता है वो इसी से आता है। तो चलिए इसको भी पीस लेते हैं। ट्रेजेडी, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया गाइस? मतलब मैं भी यार भूल गई यार आपसे बातें करते करते कि मेरी मिक्सी ऑन है, और मैंने आज तो बड़ी गड़बड़ हो जाने वाली थी, बहुत भयंकर वाली। यार बच गए यार, ये क्या हो गया यार। चलो सारी मिर्ची जो है वो भर ली है, और मेरा मसाला भी ना एकदम परफेक्ट बना था, जितनी मेरी मिर्ची थी उसी के अकॉर्डिंग मेरा मसाला जो है वो बना है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने देखिए मसाला भी ख़त्म हो गया है और मिर्ची भी जो है वो भर चुकी है। बस अब इनको जार में रख के ना मैं फटाफट से इनके ऊपर ऑयल डाल देती हूँ, और बस इनको रख देंगे हम 2-4 दिन के लिए धूप में रख देंगे, और धूप में रखने के बाद ये रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। तो हमारा भैया मिर्च का अचार तो बन गया है। अब मैं बनाती हूँ मुरब्बा, थोड़ा सा आप करूँगा क्या, मुरब्बा मुरब्बा लगे हुए, और मुरब्बा अभी तक मैं बनाया नहीं, मिर्च का अचार इसमें ज़्यादा बोला नहीं था, और पहले मिर्च का अचार बना लिया। तो उसका कारण ये है कि मसाला बन गया था फटाफट से, तो मैंने वैसे मांगो उसमें भी मुश्किल नहीं है, बट मैंने जल्दी से ये वाला जो है इतना सा मसाला है मिर्ची के ऊपर की ऐसे ही डाल दूँगी। देखिए गाइस ये है मेरा जार, इसमें इस बड़े से जार में मैं ये अचार बनाने वाली हूँ। ये जार ना वैसे मैंने कांजी बनाने के लिए स्पेशल खरीदा था, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सा है और कांजी काफी अच्छे से इसमें भर के बन जाती है, जो पीने में बहुत टेस्टी होती है और हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। तो चलिए अभी तो फिलहाल हम अचार की तैयारी करें, तो इसमें हम ना एक एक करके अपने अचार वाली मिर्ची को डाल देते हैं। हरी मिर्ची ये अचार सर्दियों में जरूर बना के खाना चाहिए, क्योंकि ये ना हमारी आइस के लिए, मिर्ची तो हमारी आइस के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये अचार वगैरह के रूप में खा ली जाए तो बेस्ट है ना। अभी सर्दियों में देखिए आंवला आ रहा है, ये वाली मिर्ची सर्दियों में ही आती है, तो फ़ायदा लेना चाहिए भाई ऐसी चीज़ों का जो सीजनल होती है, मतलब कि सिर्फ सीजन में ही हमें खाने को मिलती है, तो इनका ज़्यादा अच्छा बेनिफिट जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए होता है, तो हमें ज़रूर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप भी अपने घर में बनाइएगा, इसमें ज़्यादा ऑयल लगेगा, भर के ऑयल रखना चाहिए, बट मैं इसको भी धूप में भी रखने वाली हूँ, तो ऑयल मैं और ज़्यादा कर लेती हूँ गर्म, क्योंकि मेरी मिर्ची ज़्यादा है ना। तो गाइस जब तक हो रहा है तेल गर्म, तब तक ना मैं इन आंवलों को जार के अंदर डाल के इनका मुरब्बा बना लेती हूँ, ठीक है? अभी मैंने ऑयल गर्म करने लगा रखा है, अभी इनको कुछ भी नहीं करना, ये हमारे बॉईल हो गए थे ना, हाँ कुछ करना है, सॉरी मैं भूल जाती हूँ, कुछ करना है इनको ना फॉर्क की हेल्प से इनमें ना ऐसे ऐसे से निशान बना देना है, ठीक है? तो पूरे आंवले के अंदर ताकि रस जो है वो भर जाए, तो
तो मैं ऐसे निशान बना। तो फ्रेंड्स मैंने आंवलों को ना जार में भर लिया है और इससे मैंने इसके अंदर कुछ छेद कर दिए थे, तो अब ये रेडी है बिल्कुल मुरब्बे के लिए। और अपने मैं ना इसमें गुड़ मिला दूंगी और इसको छोड़ दूंगी गुड़ को मेल्ट होने के लिए, और इसको ना धूप में रख दूंगी। तो धूप में ही मतलब ये ना इसमें बनता रहेगा, धूप की गर्मी से ये बनता रहेगा। मेरे को गुड़ को पिघला के चाशनी बना के डालने की जरूरत नहीं। अगर जल्दी बाजी में आप बना रहे इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तब तो आप गुड़ को पिघला के उसकी चाशनी बना के इसके अंदर डाल दीजिए, और कुछ दिनों के लिए मतलब एक दो दिन बाद ही जो है वो थोड़ा बहुत ये गलने लग जाते क्योंकि ऑलरेडी ये पका हुआ है, तो आपका मुरब्बा जो है वो जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं आराम से इसको अच्छे वाले धीमे धीमे वाले प्रोसेस से बनाना चाहती हूँ ताकि इसका टेस्ट जो है वो उभर कर आए। तो मैं इसमें ना मतलब ये गुड़ वगैरह डाल दूंगी और इसको छोड़ दूंगी गुड़ डाल के। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर गुड़ डाल रही हूँ और ये गुड़ जब पिघलेगा गर्मी से तो ये अपने आप ही इसके अंदर रस जो है वो पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसके अंदर डाल देते हैं कुछ गुड़, और जब ये पिघल जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर से और गुड़ डाल दूंगी। तो इस तरीके से मेरा मुरब्बा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो मैंने दोनों ही काम कर लिए। देखिए मेरा तेल भी धुआं निकलने लगा इसमें से, इसको भी मैं अचार में डाल देती हूँ ठंडा होने पर, और बस अचार भी रेडी हो गया है और मेरा मुरब्बा भी जो है वो मैंने बना लिया है। तो बस अब देखते हैं कितने दिन में तैयार होता है बनकर और फिर कब हम खाते हैं। जब भी मैं खाऊंगी आपको जरूर दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो हो गया काम। अब ये जो मैंने फैला लिया ना इसको समेट लेती हूँ, सारा का सारा ठिकाने लगा देती हूँ इसको। तो देखिए फ्रेंड्स मैं पी रही हूँ इवनिंग की टी, और अभी मैं गई थी मार्केट, तो मार्केट से अभी मैं घर पहुंची हूँ। तो हाँ, तो मैं आज आपको मार्केट साथ लेकर नहीं गई गाइस, कभी और आपको मार्केट लेके चलूंगी साथ में। अच्छा, तो चलिए, आज का ब्लॉग काफी लंबा हो चुका था वैसे भी, तो इसीलिए मुझे लगा कि चलो आपको कभी और लेके चलेंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।